are watching Kali News. 15 साल की कॉलेज जाने वाली लड़की को बीएसटी बस ने उड़ाया। वडाला ब्रिज पर हुआ हादसा। अंटाफिल की रहने वाली थी बच्ची। बीजेपी एमएलए कैप्टन तमिल सेल्वे सहित 4 लोगों को 6 मंथ की जेल की सजा सुनाई मुंबई स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने। बीजेपी एमएलए किशन कठोरे ने गाली दिया थाना के मराठा आंदोलन के लोगों का आरोप। महाराष्ट्र के भीड़ और उस्मानाबाद में लगा कर्फ्यू। मराठा आरक्षण को लेकर हुए आंदोलन का प्रोटेस्ट को देखते हुए मूवी के किरदार छोटा पंडित के लुक बुक में नजर आई उर्फी जावेद। उर्फी जावेद को मिली जान से मारने की धमकी। सीएम शिंदे के एमपी हेमंत गोडसे ने किया रिजाइन। मराठा आरक्षण को लेकर ये दूसरे एमपी है जिन्होंने रिजाइन किया है। मुलुंड में बिजली का करंट लगने से 6 साल की मासूम बच्ची की हुई मौत। मुकेश अंबानी को तीसरी बार मिली जान से मारने की धमकी। इस बार 400 करोड़ की गई मांग। हम मराठा समुदाय को 2 फेज में आरक्षण देंगे। एक कुंभी कास्ट सर्टिफिकेट के माध्यम से और दूसरा मराठा समुदाय के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर, कहा सीएम एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में हुआ चौंका देने वाला खुलासा। महाराष्ट्र के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के 2204 से अधिक 97,714 पद खाली है। मराठा आरक्षण को लेकर राज ठाकरे ने लिखा लेटर, कहा आपको नहीं लगता कि नकली और लापरवाह लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित है। अनशन रोकने का अनुरोध किया राज ठाकरे ने मनोज आरंगे पाटिल से। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे से बातचीत के बाद मनोज आरंगे पाटिल का रुख हुआ नरम। पानी पिया फिर भी अनशन जारी है। सेंट्रल रेलवे द्वारा आयोजित इवेंट में ठाणे को स्वच्छता के लिए बेस्ट स्टेशन फॉर क्लीननेस का अवार्ड मिला। मुंबई के भारी इलाके तक पहुंचा महाराष्ट्र आंदोलन। कल्याण मुर्दाबाद और शाहपुर इलाकों के गांवों में मराठा आरक्षण के समर्थ में पॉलिटिशियन की एंट्री पर बैन पर लगे होर्डिंग। डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने चिंता जताई। मराठा आरक्षण के मुद्दे को गंभीर बताया। मैंने सार्वजनिक रूप से मांग की थी कि आरक्षण में आ रही तकनीकी कमियों को दूर की जाए, कहा। एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते के खिलाफ मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। उन पर मराठा आरक्षण के खिलाफ बयान देकर कानूनी व्यवस्था खराब करने का आरोप लगाया है। स्टेट एक्साइज ऑफिशियल ने मुंबई की प्रभा देवी से दिल्ली से लाई गई ब्रांडेड शराब की 175 सील्ड बॉटल की जब्त। थाने के चिराई एरिया में क्राइम सीन से भागते हुए चेन स्नैचर सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। मराठा आरक्षण देने में देरी के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए मुंबई के भाईकल्ला में मराठा कार्यकर्ताओं ने अपने सर मुंडवा लिए। मलाड मारवे रोड अथर्वा कॉलेज के पास बीएमसी ने 63 शॉप और रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर को डेमोलिश किया। मराठा आरक्षण आंदोलन में हिंसा की आशंका के बीच मराठवाड़ा के 5 जिलों में एमएसआरटीसी की बस सर्विस निलंबित की गई। एप्पल जासूसी चेतावनी के विवाद को देखते हुए आईटी मिनिस्टर अश्विनी विष्णु ने जांच के वादे किए। ठाकरे ने अदालत में मराठा आरक्षण नहीं खोया जो देवेंद्र फडणवीस ने हासिल किया था। आज आरक्षण के लिए कोई आंदोलन नहीं होता। बीजेपी ने साधा उद्धव ठाकरे पर निशाना। मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक हुआ। आंदोलनकारियों ने महाराष्ट्र के भीड़ में 2 एनसीपी विधायकों के घर और कार्यालयों में आग लगा दी। मुंबई सूरत में कंगना की फिल्म तेजस के शो के टिकट सेल ना होने पर शो को कैंसिल किया गया।